अब किसानों की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि किसानों की नाराजगी भी देखी गई थी पश्चिमी यूपी में। ऐसे में इस बार उस पर क्या फोकस रहने वाला है ये जरा आपको दिखाते हैं। बिजली बिल में छूट दी जा सकती है, बेहतर सिंचाई की व्यवस्था भी की जा सकती है, कृषि उपकरण खरीद में सब्सिडी लोन में माफी भी हो सकती है, गन्ना भुगतान को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, किसान बीमा को लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो किसानों को क्या उम्मीद है, किसानों के लिए क्या लिया जा इस बार बजट में खास हो सकता है, ये लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि किसानों में कुछ नाराजगी भी थी। तो ऐसे में उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश है, खासतौर से गन्ना किसानों को लेकर, तो उसमें लोन में माफी हो सकती है। इसके अलावा गन्ना भुगतान को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, किसान बीमा को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो ये तमाम ऐलान हो सकते हैं किसानों को लेकर। तो हर चीज पर जिस पे बात कर रहे हैं, हर वर्ग पर फोकस किया गया है, तो उसमें किसानों को जो उम्मीद है उसे बिजली बिल में छूट दी जा सकती है, क्योंकि बिजली बिल से काफी परेशान रहे हैं किसान। ऐसे में अगर बिजली बिल में अगर छूट मिलती है तो उन्हें काफी कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में इस बजट में किसानों के लिए ये व्यवस्था हो सकती है। अब यहाँ पर और क्या रफ्तार बढ़ने वाली है ये जरा दिखा देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे को लेकर काफी बात की जा रही थी, तो बजट से बढ़ेगी सरकार की रफ्तार, और वो कैसे ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस वे के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दो लिंक एक्सप्रेस वे के लिए व्यवस्था हो सकती है, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। एक्सप्रेस वे के लिए बड़े ऐलान ये हो सकते हैं, क्योंकि कैसे अब एक्सप्रेस वे को और सुधारा जाए और लिंक किया जाए, इसके लिए भी प्रावधान इस बार बजट में हो सकता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दो लिंक एक्सप्रेस वे के लिए व्यवस्था हो सकती है, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। अब चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं। यहां पर मेडिकल सेक्टर पर सरकार का फोकस रहने वाला है, हर जिले में कैसे मेडिकल कॉलेज को बढ़ाया जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए। ऐसे में इस बजट में मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट हो सकता है, मेडिकल कॉलेज और CHC को बेहतर बनाने पर फोकस हो सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बजट हो सकता है, उसमें एम्बुलेंस की भी व्यवस्था और बढ़ाई जा सकती है। तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए हो सकता है बजट, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को और दुरुस्त किया जा सके इसके लिए भी काफी फोकस रहने वाला है इस बार बजट में, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके, CHC को बेहतर बनाने पर भी फोकस हो सकता है। तो इस स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि यहां पर हर वर्ग हर सेक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में है जिस पर ये उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में ये प्रावधान हो सकते हैं।